कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, कराची से लेकर कोलकाता तक मैं भटका। हर जगह मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध धर्म मानने वाले, जैन धर्म मानने वाले, ईश्वर और धर्म पर विश्वास नहीं करने वाले लोग, इन सब ने मेरी मदद की। इस पूरी कायनात में मैं एक छोटा, बहुत ही छोटा सा जीव हूं। ये लोग शोर मचा के हमारी जान खा रहे हैं, बंद करो ये सब। लड़के तुम जल्दी से आम तोड़ो, तुम्हें मक्का दिखाई दे रहा है, जल्दी करो, जल्दी से तोड़ो। मक्का ही नहीं, मदीने की मस्जिद भी दिख रही है। अम्मी, ओहो चिल्ला कर रहा है, मुझे चींटी काट रही है। सोहरा इधर भी काटी। हाँ मैं निकाल रही हूँ। सोहरा ये लो, ये शांत हो जाओ। ये आम हाँ यहाँ नहीं, यहाँ बहुत काटी है। ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी संदूक और थैली लुट गई। ए जाओ, ये जगह अच्छी जाओ, नहीं है। जाओ, खड़े मत रहो। जाओ, यहाँ पे ठहरो मत। जाओ, 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 जाओ। चलो यहाँ से। चल, चल, चल। हे अल्लाह, मैं अपना सामान कहाँ जाकर ढूंढूं? आप कहाँ से हैं? देखिए, मैं काम की तलाश में हूँ। मेरे पास कुछ सामान और पैसे थे, वो चोरी हो गए। आप चिंता मत कीजिए, मैं मदद करूंगी। मैं आपका सामान उठा कर दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आइए मेरे साथ चलिए, आपका सामान ढूंढते हैं। आपकी भाषा सुनकर मुझे अपना गांव याद आ गया। वो वीरों की जगह है, देखिए वो आपका है क्या? आप मुझे नौकरी दिलवा सकते हैं? आप मेरे साथ चलिए, कल हम एक आदमी से मिलने जाएंगे। आइए, दुर्गा पूजा खत्म होने तक ये शोर शराबा बना ही रहेगा। अरे चला, 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 गया रे। एक अरसा हो गया मुझे घूमते हुए। आमिन साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। मुझे मदद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नौकरी चाहिए। आपको देखकर ऐसा लगता है आप काफी अमीर घर से हैं। हाँ, मैं पैदा तो एक
अमीर घर में ही हुआ था। मेरे अब्बा गांव के जमींदार थे, अपने गांव के सुल्तान। कल शाम को फंक्शन है, उसके पहले काम खत्म हो जाएगा? हो जाएगा मालिक। और हाँ सुनो, आज शाम को नाव से लकड़ी उठा लेना और उसे ले जाकर गोडाउन में रख देना। जी मालिक। इतनी देर क्यों हो गई? थोड़ी देर जरूर हो गई। देखो क्या लाया हूँ, इसे लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। वो वहाँ नहीं मिला, इसे लाने में मुझे बहुत दूर जाना पड़ा। पहाड़ी के उस पार से लेके आ रहा हूँ, समझे? बकवास करता है। खड़े होके मुंह मत देखो, चलो बकरियों को लेके जाओ। मुर्गी और बत्तख को घर से बाहर रखो, बहुत काम है। पैसा खत्म हो जाए तो मुझसे पूछना। जी। तुम कहीं मत जाओ, यहीं रहो, देखो ठीक से काम हो रहा है नहीं। ठीक है। बिरयानी का बर्तन किधर है? है क्या है? बहरा कहीं का, पागल है ये, इसे संभालना बहुत मुश्किल है। और सुनो। जी। ये जलसा ऐसा होना चाहिए कि गांव वालों ने न कभी देखा हो न कभी सुना हो। मजीद के खतने का जलसा, उसे हाथी पर बैठाना होगा और पूरा गांव जश्न मनाएगा। ऐसा खतना होगा कि पूरा गांव याद रखेगा, ऐसी तैयारी करूंगा। बोलिए। देखना ये उत्सव इतना शानदार होगा कि सभी कहेंगे गांव के सुल्तान के घर का उत्सव है। हाँ। दो चाय, इलायची डालना, नारियल ठीक है लेकिन काली मिर्च पट्टे पे लेना पड़ेगा। इस साल मैं पूरी कोशिश करूंगा लेकिन वो पैसे की थोड़ी मारामारी है। आप मेरी ये लीजिए मालिक। अब ठीक है ना? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अप्रैल में वापस कर दूं, पक्का। इस बार कोई बहाना नहीं करूंगा। मुझे याद है पहले के पैसे भी वापस नहीं किए लेकिन ये अवरण आपको कभी भूलता नहीं है। कितना चाहिए? मैं तुम्हें 5,000 देता हूँ, इसका हिसाब तुम रखना, समझ गए ना? नहीं समझे? अवारन को देने के लिए हमेशा आपके पास पैसे होते हैं, क्यों? सच कह रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ होता है, लेकिन ये पैसा तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे दहेज में नहीं दिया, ये मेरी मेहनत की कमाई है, समझी तुम? नहीं समझी? जाओ अपना काम करो। जरूरत नहीं है, वहाँ जाकर बच्चों के साथ खेलो, जाओ। माजी खाना होने से पहले उसके अब्बा ने कहा, जाओ माजी जाकर पहले नहा लो। उसने तुरंत बात मान ली और नहाने के लिए चला गया। उसे उस तरफ रख दो। इसे अच्छी तरह पकने दीजिएगा। हाँ ठीक है। चलो ना, तुम खेलने नहीं चलोगे? मुझे डर लगता है सुरा। तुम डरते क्यों हो? ये खतना कैसी होती है सुरा? ये तो मैं नहीं जानती लेकिन तुम मरोगे नहीं, मैं तो खेलने जा रही हूँ।
चुगु 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 चुगु। तुम डर गए ना? मैं बिल्कुल नहीं डरा। ये लो, खा लो। माँ ने कहा मैं कुछ दिनों के बाद खेलने जा सकता हूँ। मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। कौन सी बात? पता है मेरे कान में छेद करने वाले हैं, पर तुम तो नहीं आ पाओगे ना। जब तुम्हारे कान में छेद करेंगे तो तुम्हें बहुत दर्द होगा सुरा। कुछ दिन दर्द होगा, आकर देखोगे तुम? मैं आऊंगा। कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची। डरो मत दीदी, डरो मत, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा लगेगा। कुछ नहीं, अब इनसे ज्यादा दर्द हो रहा है। कुछ नहीं, बस हो गया हो गया हो गया, डरो मत। कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, ये दे दे, हो गया हो गया। अमीन साहब का घर आ गया। दशहरा मुबारक हो। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए। हाँ सही कह रहे हो तुम, मैंने मजुमदार से कह दिया था वो उसे गांव तक पहुंचा दे। नमस्ते जी, है? ये भाई नौकरी की तलाश में है। आपके गांव के हैं, इनकी मदद कीजिए ना। नाम क्या है? माजिद,
ओ साहब, कल इनका सामान और पैसा चोरी हो गया था। ओ आइए, यहाँ का मेन काम है प्रिंटिंग प्रेस और यहाँ की किताबों की दुकान, और एक बुनाई की चक्की भी है। वैसे तुम काम क्या करते हो? कोई भी काम चलेगा साहब, गांव में मेरा परिवार मेरे भरोसे है। देश के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और यही हमारा लक्ष्य भी है। राजनीति में आने की तुमने कभी कोशिश की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन सफर करते वक्त किया था। जब गांधी हमारे गांव आए थे तो मैंने उन्हें देखा था। हाँ हाँ, आ जाओ। ये मेरी इकलौती बेटी है शबनम, कलकत्ता में पैदा हुई और यहीं पर पली बड़ी है। विजयदशमी के दिन यहाँ के सभी काम करने वालों के बीच में मिठाई बांटती थी इसकी माँ नंदिनी। ये हमारे यहाँ से ही है, इन्हें भी दे दो। नमस्ते। नमस्ते। कितने दिनों से कह रही हूँ अब्बा से कि मुझे गांव में ले जाएं, पर ये मुझे ले ही नहीं जाते। ले चलूंगा, लेकिन हाँ, जब हमारे देश को आजादी मिलेगी उसके बाद। हमारे यहाँ से कोई आता है तो अब्बा बहुत खुश हो जाते हैं। शबनम अपनी मातृभाषा अच्छी बोलती है। अब्बा का कहना है कि हमें एक दूसरे से अपनी मातृभाषा में बात करनी चाहिए। आप कौन भाषा बोलते हैं ये मायने नहीं रखता। हम सभी इस देश के नागरिक हैं और हम सबको इस पर गर्व होना चाहिए। हमारे देश का हर नागरिक एक अच्छा बंगाली या मलयाली या तमिल हो सकता है। क्या बोलती हो सिल्वी? हाँ सही है, लेकिन इसके लिए कोई नौकरी देखिए ना। बात यह है कि हम यहाँ कोई व्यवसाय नहीं करते। वैसे कोई भी काम हो उसका एक उसूल होता है। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, हम आपकी कोई तनख्वाह नहीं काटने वाले। दुकानों में जाकर आपको किताबों का ऑर्डर लेना है। करूँगा साहब। मजीद को अपने प्रेस के ऊपर वाले कमरे में रहने दो। सेल्वी, तुम्हारी मदद और साहब के अच्छे दिल की वजह से नौकरी मिली। साहब और उनकी पत्नी दोनों पहले यहीं रहते थे माजिद भाई। मैं यहाँ कुछ दिन के लिए रहूंगा, अपना भटकना बंद करके पैसा जमा करके अपने गांव जाऊंगा। वापस जाने के लिए तुम्हारे पास जगह है और कुछ लोग तुम्हारा इंतजार भी कर रहे हैं। तुम अपने गांव नहीं जाती हो क्या? नहीं, मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है। ऐसा मत कहो सिल्वी। मैं क्या कर सकती हूं, मैं ऐसे पैदा हुई, मेरी गलती है। ये सब ईश्वर की साजिश है। सिल्वी, मैं रोऊंगी नहीं भाई। हमारे गांव में हम लोगों को आरवान कहते हैं, हम आरवान के भक्त हैं। आरवान गरीबों का सेनापति है, हम लोग उनके वंशज हैं। इसीलिए मैं आमीन साहब जैसे अच्छे आदमी के पास काम करती हूँ। तुम्हें रास्ता पता है? हाँ पता है। मेरी प्यारी सोहरा, तुमसे मिलकर कहने के लिए मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं। तो मुझ पर गुस्सा होगी कि मैंने लिखने में इतनी देर क्यों की। भैया। आज कुछ खास है क्या? आज हमारे घर में खास मेहमान आने वाले हैं। कौन है वो? नहीं, फिलहाल तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। भैया कहती हो मुझे, लेकिन मुझसे कुछ छुपा रही हो, गलत बात है। बताओ कौन है? माफ कर दीजिए भैया, पर मैं आपको उसे मिलवाऊंगी जरूर, पर नाम नहीं बताऊंगी। वो आ गए, लगता है आ गए। चलो भैया, चलो चलो चलो। हाँ मजीद, आओ आओ आओ, तुम्हें किसी से मिलाना है। ये है प्रफुल,
ये एक अच्छा लेखक और वक्ता है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये हमारे देश की आजादी के लिए काम करता है। कुछ साल पहले ये कर्मचारी के प्रतिनिधि बनकर काफी दिनों तक हमारे राज्य में था। प्रफुल्ल वही ना जो युद्ध के बारे में लिख रहे हैं, जिसका ऑर्डर मुझे मिला। हाँ, हाँ, ये मजीद है, ये मेरे राज्य से है। जी नमस्ते। नमस्ते। ये भी हमारे यहाँ से? हमारे यहाँ से नहीं है, पर थोड़ी थोड़ी भाषा हमारी भाषा के लिए शबनम इसकी गुरु है। प्रफुल्ल मेरी तरह गांधी की नीतियों को नहीं समझ पाता है, इसके विचार उग्रवादियों से मिलते जुलते हैं। शायद अपनी उम्र की वजह से मैं इसकी तरह नहीं सोच पाता हूँ। लेकिन दोनों का मकसद तो एक है, मार्ग अलग अलग है बस। ठीक है, तुम लोग बातें करो, मुझे कुछ काम है। अच्छा प्रफुल्ल, मुर्शिदाबाद के लिए वो कागज मैं मजीद के हाथ कुछ दिनों में भेज दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। कविता का खूब आलोचे। धन्यवाद। चलिए चलून चलून। प्रफुल्ल कब आता है कब जाता है किसी को भी पता नहीं चलता। ये अचानक से आता है और बिना बताए ही चला जाता है। शबनम देखो, हम लोग देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग अपने जीवन को एक छोटे से परिवार तक सीमित नहीं रख सकते, समझे तुम? हमारा प्यार एक शांत संगीत की तरह है। अरे माजिद भाई, हाँ? आप चुप क्यों हैं? अपने बारे में कुछ तो बताइए। प्रफुल्ल को ये जानना बहुत पसंद है कि हमारे अपनों के साथ हो क्या रहा है। मैं अपने बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में बात करूंगा। हमारे बारे में? हाँ हमारे बारे में। जब एक नदी दूसरे में मिलती है तो क्या होता है? बड़ी नदी बन जाती है। लेकिन एक और एक को जोड़ने से क्या होता है? एक और एक को जोड़ने से कितना होता है माजिद? एक बड़ा होता है। तुम माजिद नहीं बल्कि बहुत बड़े गणितज्ञ हो, बहुत ही होशियार हो तुम। हाँ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। एक में एक जोड़ने से होता है दो। तुमने क्या हिसाब किताब में नया आविष्कार किया है? बेंच पर खड़े हो जाओ। उसे बोलो बड़ा एक वाला। उसे बुलाओ बड़ा एक वाला। अरे वो बड़ा एक वाला। चलो हाथ आगे करो। ये जितनी मार बारी इन सबको जोड़ो तो मान लो एक बड़ी मार। ए जाजा से बोल। ए बड़े एक वाले चल जा यहां से। जल्दी चले जा। एक में एक जोड़ने पर दो होता है ये कैसे नहीं पता? मैंने तुम्हें पहाड़ा कितनी बार सिखाया है, याद ही नहीं रहता तुम्हें। नारायण सर ने कितनी बार कहा था जवाब देने से पहले अच्छी तरह सोच लो। जवाब देने से पहले मैंने सोचा था। मैं जा रही हूँ। सुहरा उधर देखो, वो दो छोटी नदियाँ बह रही हैं। दोनों जब जुड़ जाती हैं तो एक बन जाती है ना, एक बड़ी ही नदी। तुम सही कह रहे हो, चलो चलते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों हो? जो भी हो मुझे बताओ,
हमें गणित में मुझसे बहुत गलतियां होती हैं। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह को याद किया करो, तुम उनकी इबादत करो, वो बड़े दिल वाला है, सबकी मदद करता है, किसी को मना नहीं करता। नमाज पढ़ो। मेरे रब, मुझे गणित में मदद कर। एक गुण तीन, तीन दो गुणा तीन, छः छः गुणा तीन। ए, देखो लैला आ रही है। मैं उसे बताता हूँ। नहीं, मैं बताऊंगी। ये उसे दे दो। लैला, हाँ ये लो, कैसा लगा? अच्छा है। क्लास में तुम मुझे अपनी जगह बैठने दोगी क्या? फिर मैं कहाँ बैठूं? तुम मेरी जगह पर बैठ जाना। लेकिन तुम्हें वहाँ क्यों बैठना है? लैला, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? चलो ये सब मस्ती बंद करो और स्कूल जाओ। चलो जल्दी निकलो। पता है, अपने गणित के सर माजिद को रोज मारते हैं। अगर मैं स्कूल नहीं गया तो मेरे अब्बा बहुत मारेंगे। बच्चे मुझे चूटी काटते हैं और फिर मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं बिना मतलब का। उन्हें मजा भी बहुत आता है। जब मैं मर जाऊंगा तब सब कहेंगे मजीद जिंदा होता तो हम उसे चूटी काट सकते थे। मुझे मुझे मालूम है, सब ऐसा ही कहेंगे। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। काश मैं अपनी जगह बदल लो ना लैला, फिर उसे मारने ही खानी पड़ेगी। कल मैं तुम्हारे लिए आम लेकर आऊंगा। सूरा, स्कूल जाने का वक्त हो गया। लैला, हाँ? अगर तुम जगह नहीं बदलोगी तो मेरी वो इमली वापस कर दो। लेकिन मैं तो वो खा गई। तो फिर जगह बदलनी पड़ेगी। सुरा, चार गुना आठ बत्तीस। चलो बच्चों पहाड़ा लिखो। पांच गुना आठ चालीस। पांच गुना आठ चालीस। अरे ये कहाँ से आ रहा है? बैठो बैठो बैठो, चलो। अठारह गुना आठ कितने होंगे, इसका जवाब दो साहब। जिसे इसका जवाब नहीं पता वो खड़ा हो जाए। मुझे भी नहीं पता। मुझे तो नहीं पता। देखो वो भी खड़ा हो गया। तो अठारह का पहाड़ा नहीं हुआ है। इसे आता है क्या? ओ, मुझे बैठा है यहाँ। माजिद इधर आओ। आओ इधर आओ। अठारह गुणा आठ एक सौ चवालीस। मैंने तो तुम्हें गणित में कमजोर सोचा था, लेकिन तुम इतने कमजोर तो नहीं निकले। होशियार हो। अगर तुम इसी तरह करते रहे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि माजिद क्लास में फर्स्ट आएगा। आ गई अब्बू की लाडली। तुम सोहरा की ये पुरानी स्लेट क्यों इस्तेमाल करते हो? अपने अब्बा से कहोगे तो वो तुम्हें नई लाकर दे देंगे। मुझे ये स्लेट पसंद है।
नया या पुराना कोई मायने नहीं रखता, अच्छी पढ़ाई जरूरी है ना सूरा? अब्बा अभी माजिद क्लास में फर्स्ट है। अच्छा, तेज लड़का है, हमारी सूरा को तुमने हरा दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम दोनों फर्स्ट आए हैं। तुम दोनों पढ़ाई करके बड़े आदमी बन जाओ, मैं तो पढ़ाई नहीं कर पाया, मेरे बच्चे मेरे जैसे नहीं रहने चाहिए। आपने फिर से ये सब शुरू कर दिया है ना? ये बताइए, हमारे गांव में कौन है जो पढ़ा लिखा है? यहाँ के हिसाब से तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन अगर तुम्हें सही मुसलमान देखना है ना, तो गांव के बाहर जाओ। मतलब यहाँ के लोग मुसलमान नहीं हैं? यहाँ के लोग समझते हैं कि वो सही मुसलमान हैं, लेकिन ये सारे लोग सच से बेखबर हैं। लेकिन खुदा की मर्जी से जब हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो जाएंगे तो सोच बदल जाएगी। माजिद, माजिद आया? माजिद, मेरे अब्बा आ गए। सूरज उसकी स्लेट दे दो। तुम्हारी स्लेट? बाद में ले लूंगा, पता नहीं कहाँ रह गया। अब्बा आ गए, चलो। अच्छा सुनो, दो मीठा गुड़ देना। हाँ लीजिए ना सर। ये लीजिए सर, ये लीजिए। नहीं नहीं, इसमें से निकालो। अच्छा, ये दिखाओ। ये हाँ, हाँ। जोर लगाओ ऐसा। बाबू दे का पैसा। 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 मालिक, जैसा आपने कहा था, हम जंगल से अच्छी लकड़ी लेकर आए हैं। अरे सिर्फ राम सेवक ही क्यों, राम भक्त का हाथी भी लेकर आओ, वो भी अच्छा हाथी है। क्या बोल रहे हो तुम, चुप रहो। सिर्फ राम सेवक ही क्यों, राम भक्त हाथी को भी लेकर आओ। सही कहा तुमने, पहले टूटे फूटे स्कूल को बनने दीजिए, और लकड़ी की जरूरत पड़ी तो मालिक के घर से ले जाना। सलाम वालेकुम सर। मालिक, आपसे मिलने के लिए मैं आपके स्कूल तक गया था। आपके लिए एक चिट्ठी आई है। मद्रास से आई है, ठीक है तुम जाओ। अर्दिल, दोनों पास हो गए हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सोहरा पढ़ाई में बहुत अच्छी है, और ये भी बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर रहा है। मैं सोहरा को आगे भी पढ़ाना चाहता हूँ। तुम इसे शहर के किसी बड़े स्कूल में भेजो, तुम्हारी बेटी के सर पर चंद्रमा की रोशनी चमक रही है, उसे चमकने दो। क्यों, सही कहा ना बेटा? अब्बू की बेटी, तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़ी नौकरी करोगी। कितनी तेज बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। क्या हुआ? चलो अंदर चलो। क्या हुआ इनको? अरे वो वहाँ नारियल के पेड़ के नीचे पड़ा था। इसे तेज बुखार है, इसे कंजी पिला दो और इसे आराम करने दो, कल तक ये ठीक हो जाएगा। हाँ चलो भाई, चलो दादा तो है ना। चलो इतनी तेज हवा चल रही है, आप अंदर चलकर आराम कीजिए ना।
आप बारिश में पूरी तरह भीग गए हैं, अगर आपको बुखार हो गया तो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तुम बेवजह बच्चों को मत डराओ। क्या हुआ अब्बा? एक मिनट बेटा, मैं अभी आता हूँ। आपको तो बहुत तेज बुखार है, आज आपको काम पर जाने की क्या जरूरत थी? देखो, अभी हमें अपने बच्चों को बहुत आगे तक अच्छी तरह से पढ़ाना लिखाना है, और इसके लिए थोड़ी बहुत ज्यादा मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है। बच्चों अंदर आ जाओ। देखो अब्बा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। दरवाजा बंद कर देता हूँ, बारिश बहुत तेज है। आजा आजा। वाह बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए कपड़े लेकर आया हूँ। खाना खाया तुमने? आज आपने आने में देर कर दी तो मैंने खाना खा लिया। ये तुम्हारे लिए? मेरे लिए क्यों लाए? अरे पहन लो। अब्बा कल की बाकी कहानी आप सुनाएंगे ना? हाँ बाकी की कहानी सुनाइए ना। स्कूल कैसा है? हमारे स्कूल जैसा ही है। क्लास में कितने बच्चे हैं? उस स्कूल के आसपास अमला का पेड़ है क्या? देखो सोरा, ये मैंने बनाया है। बुखार है अब्बा? ओह, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। माजिद क्या कर रहा है इस वक्त? वो सो गया। हमारे गांव वालों में से किसी ने भी जहां किसी को न भेजा हो, मैं माजिद को वहां पढ़ा रहा हूं। तो उसका दिमाग तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है, मेरे जैसा है। समझे कि नहीं तुम? नहीं समझे? सब समझती हूं मैं। हमेशा कहते हैं कि मैं कुछ नहीं समझती, आपको क्या मैं बेवकूफ लगती हूं? अरे रूठ कर कहां जा रही हो, आ जाओ। अरे ये इस समय कौन रो रहा है? क्या हुआ, वो क्यों रो रही है? बच्चों को जब क्यों जलेगा?
क्यों ना माजिद के साथ साथ सोहरा को भी स्कूल भेजें? देखो तुम्हें पता है ना कि हमारे परिवार में कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं? 26 और 41। 26 और 41 जोड़ने से कितने हो गए तुम जानती हो? नहीं जानती ना बेटा, तुम जानते हो ना? देखो तुम्हारा बेटा भाग गया। हाँ अच्छा सुनो, कुल होते हैं 67। अब इनमें से किसी को ना पढ़ाकर सिर्फ सोहराब को भेजना क्या सही होगा? नहीं। हाँ आपने सही कहा, 67 होते हैं। इसमें क्यों नहीं थूकते हैं आप? इन्हें देखकर लगता है कि पौधों पर खून गिरा है। आहा, तुम और तुम्हारे ये अनोखे झाड़। ये बताओ, ये उसका आइडिया था या तुम्हारा आइडिया है? तो उसे बाहर जाकर दुनिया देखने दो, देखने दो कि दुनिया में कैसे लोग रहते हैं और वो किस तरह रहते हैं, देखने दो। समझ गई ना? नहीं समझे? फिर से शुरू हो गया आप, हमेशा एक ही बात करते रहते हैं, बाहर जाओ, अपना देश छोड़ दो। ये आप रोज रोज ऐसी बातें क्यों करते रहते हैं? उसका दिमाग तुम्हारे जैसा नहीं है, उसका दिमाग मेरे जैसा है। सही है, आपके कहने का मतलब है इसमें भी मेरी ही गलती है। याल्लाह, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। सुनो, तुम अल्लाह को हजारों बार बुला लो लेकिन तुम्हें बुद्धि आएगी क्या? नहीं। कम से कम ये तो समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं समझोगे तो लिखकर समझाइए ना। लिखकर समझाऊं? ये बताओ तुम्हारे अब्बा स्कूल गए थे क्या? नहीं। तुम्हारे भाई स्कूल गए थे क्या? नहीं। हाँ, आपके परिवार में तो सब पढ़े लिखे हैं। सुनो, मुझसे बहस मत करना नहीं तो लात मारूंगा मैं तुम्हें, समझ गई? मूर्ख औरत। माजिद की पढ़ाई का खर्चा जितना है उतना ही सराह की पढ़ाई का। जाओ जाकर अपने कपड़े धो। मेरी बात समझ में आई? नहीं, मेरे कपड़े भी खराब कर दिए। मुझे पड़ोसियों की दुख भरी हालत और उनकी तकलीफ मत सुनाओ, समझे कि नहीं? नहीं समझी? तो इस बार हम लोग पक्का तहबाग में आंदोलन करेंगे। हाँ, हाँ? हाँ, करेंगे करेंगे। प्रफुल भैया आपसे कोई मिलने आया है। प्रफुल? अरे माजिद भाई, मैं किताबें लेकर आया हूँ। पता है देशवासियों ने अपने हक के लिए जो लड़ाई लड़ी है ना, वही सब इन किताबों में लिखा हुआ है। साहब ने मुझे बताया था। आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? मैं अपना कोई भी सफर पहले से तय नहीं करता, बस हो जाता है। जो भी हो, आज आप यहीं रहेंगे, आइए। देखिए, आप अपनी कहानी अपनी भाषा में सुनाइए, मैं आपकी भाषा समझ जाऊंगा। जिंदगी का सफर अपनी मातृभाषा में कहना आसान पड़ता है, मुझे भी और तुम्हें भी। आप सुनाइए तो माजिद भाई। मेरा पहला सफर शुरू हुआ एक रात को। उस रात को मैंने अपने अब्बा के गुस्से में और थोड़ा घी डाला। वो फसल का समय था। सुबह बाहर जाते वक्त अब्बा ने मुझसे कहा, फसल को हमने सुखाने के लिए रखा है, तुम्हें जाकर फसल को लेकर आना है, नहीं तो नौका वाले से चोरी कर लेंगे। तुमने रोज़ा नहीं रखा है, स्कूल से आने के बाद तुरंत खेत में आ जाना। मैं स्कूल से वापस घर गया और उनकी बात भूल गया। अंधेरा होने के बाद जब अब्बा घर पहुंचे, माजिद, हे माजिद। हाँ, लगता अब्बा आ गए। इधर आओ, मैंने तुमसे कहा था ना स्कूल से आते ही तुरंत खेत आकर फसल ले जाओ, तुम क्यों नहीं आए? मैं भूल गया अब्बा। लेकिन तीन टाइम खाना नहीं भूलता, नालायक कहीं का। माजिद बेटा, तुम अंदर जाओ, तुम अपने लाड़ प्यार से बच्चों को बिगाड़ रहे हो। जाओ अंदर जाओ, जाओ सब लोग अंदर जाओ, तुम भी जाओ। जब देखो आंसू बहाती रहती हो, जाओ जाकर दुनिया घूम कर आओ, देखो कि लोग कैसे जिंदगी जीते हैं। जाओ, मैंने कहा जाओ यहाँ से। अच्छे बन के आए तो अबू बकर कह के बुलाऊंगा, नहीं तो अबू जाहिल कह के बुलाऊंगा। जाओ जाओ, बोला ना जाओ। तुम अंदर जाओ, मैंने कहा अंदर जाओ। जब देखो उसे लाड़ करती रहती हो, जाओ यहाँ से जाओ। उनका गुस्सा मुझे दुनिया के कोने तक ले जाने के लिए काफी था। मेरे सामने अंधेरा था और मैं बहुत जिद्दी बन गया।
और मैं पैसे कमा कर अब्बा के सामने सर ऊंचा करके खड़ा होना चाहता था। वहीं से मेरा सफर शुरू हुआ। इस दुनिया के गांव और शहर में भटकने लगा। मैं अकेला था। वक्त कैसे गुजर गया मुझे समझ में नहीं आया। फिर जब बिना कुछ हासिल किए खाली हाथ में घर वापस आ रहा था, तब मेरा गांव मेरे लिए बहुत सारी खबरों के साथ इंतजार कर रहा था। सुनो, वो अभी कहाँ होगा? कितने साल बीत गए, ना कोई चिट्ठी ना कोई खबर। पता नहीं उसने खाना खाया होगा या नहीं। आप चिंता मत कीजिए, दुनिया में कहीं भी चला जाए वो मेरा बेटा है, लौट कर एक दिन जरूर आएगा। परसों रात को वो मेरे सपने में आया था। नदी के पार खड़े होकर मेरा बेटा मुझे बुला रहा था। लोगों से मिलने दीजिए, दुनिया घूमने दीजिए, फिर आएगा वो। पता है वो बहुत जिद्दी है और उसका जिद्दीपन तुमसे नहीं बल्कि मुझसे मिला है। समझे कि नहीं? नहीं समझे? अरे बेटा देखो तो कौन आया है। हाँ? तुम इतने दिनों से कहाँ थे माजिद? नदी के उस पार देखते ही मैंने पहचान लिया था। अरे सुनो, अपना माजिद घर वापस आ गया। मेंसा, ये लो इसे जरा मार्केट में दे देना। अरे सुनो, मेरी थोड़ी मदद करो ना यहाँ पे। ये लीजिए, आप रख लीजिए। नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम तो इसी गांव के बेटे हो ना, जब जरूरत पड़ेगी मैं खुद ही मांग लूंगी। आराम से। जल्दी से उतरो, मुझे जाना है। अरे थोड़ा तो संभाल के चल। ऐसा लगता है तुम अपना गाँव भूल गए। नहीं ऐसी बात नहीं। माजिद, इसके बिना इन्होंने बहुत लंबा वक्त बिताया। तुमने कुछ खाया बेटा? आपने कुछ रखा है क्या अम्मी? हाँ, आकर बैठो। आपको कैसे पता मैं आ जाने वाला हूँ? रोज रात को अम्मी खाना बनाकर तुम्हारे लिए इंतजार करती थी। तुम्हारी परवरिश के लिए मैंने कितनी तकलीफ उठाई थी। मैं तुम्हारे दूध में हल्दी और केसर मिलाती थी ताकि तुम्हारा रंग खिल जाए। अम्मी ये सब कैसे हो गया? ये सब कुछ तुम्हारे अब्बा की गलती है बेटा। अवारन ने तुम्हारे अब्बा से पैसे लेकर उन्हें बर्बाद किया। फिर लकड़ी के धंधे में तुम्हारे अब्बा ने उसे पार्टनर भी बनाया। उसने कहा ब्रिज बनाने के लिए उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तुम मेरी बात, तुमने मैंने कहा था वो काम किया? कितनी बार कहा है कि बर्तन को उसकी जगह पर रखो। वो बहुत लंबे सफर से आया है, ये सारी बातें बाद में बताना। अब अगर मैंने और कुछ कहा इस बारे में तो वो मुझ पर चिल्लाएंगे। पिछले साल सुरहा का निकाह हो गया
दक्षिण के एक कसाई से। उसके निकाह से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बेचारी को जबरदस्ती करना पड़ा। उस बेचारी के पास और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा था। तुम कब आए भैया? मैं तो अभी आया, कल रात भर प्रफुल्ल से बात कर रहा था। अब्बा तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मैं उनसे मिलकर आता हूँ। उधर से कोई खबर मिली तुम्हें? उधर से मुझे किसी ने कोई भी खबर नहीं दी। अच्छा, लेकिन मेरे पास एक खास खबर है और वो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। है घर से चिट्ठी आई क्या? मुझे तो दो। मेरे बेटे, अवारन ने हमारा घर और जमीन दोनों ले लिए हैं। उसने तेरे अब्बा से कागज पर साइन लेकर उन्हें धोखा दिया है। मैंने और तुम्हारे अब्बा ने जाकर अवारन से बहुत विनती की, लेकिन वो घर छोड़ने को कह रहा है। दो बेटी और तेरे बीमार अब्बा को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? और इतना ही नहीं, सुरा की तबीयत भी बहुत खराब हो गई है। वो नहीं चाहती कि मैं तुम्हें ये सब बताकर और परेशान करूं। मेरे बहुत कहने पर सुरा ने ये चिट्ठी लिखी है। मेरा मन नहीं मान रहा था, इसलिए पहले चिट्ठी नहीं लिखी। मेरा बहुत प्यार, मेरे प्यारे बच्चे। मेरा पैर कट गया डॉक्टर। मेरा सब ठीक हो जाएगा, आप आराम कीजिए। मैं चलूंगा कैसे? भैया शांत हो जाओ। मैंने कितने सपने देखे थे, सब टूट गए। अब मैं इससे चलना सीख रहा हूं। घबराओ मत, इसी का नाम जिंदगी है। मेरी नजर में जिंदगी एक आशीर्वाद है, श्राप नहीं है। मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूं साहब। 17 साल की उम्र तक मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश था, फिर मेरे हाथ से जिंदगी निकल गई और यह हालत हो गई। सब ठीक हो जाएगा मजीद, भरोसा अक्सर हमें जिंदगी में आगे बढ़ाता है। तुम हमारी संस्था में चाहो तो अकाउंटेंट का काम कर सकते हो। ए बड़े एक वाले। मैं गणित में बहुत कमजोर हूँ। प्रेस के क्या हाल हैं? मैं नहीं जानता कि हम और कितने दिन प्रेस चला पाएंगे, पर जैसे हालात हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट जल्द ही हमारे प्रेस को जब्त कर सकती है। साहब सावधान रहिए। हम अपने देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। प्रफुल्ल ने शुभकामनाएं भेजी हैं, वो नहीं आ पाया इसीलिए माफी चाहता है। उसके गांव में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, वो उन्हें सुलझाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। उसे कहो हमारी चिंता न करें, उसका यहाँ आना जरूरी नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं माजिद, अभी बहुत काम बचा है करने के लिए। अल्लाह के खजाने में वक्त की कभी कोई कमी नहीं होती माजिद। चलते हैं हम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुमने घर चिट्ठी लिखी? नहीं। सौरा को भी नहीं लिखी? उसे क्यों और दर्द पहुंचाऊं?
आज ही अकल पता चल ही जाएगा, तब देखा जाएगा। अरे लंगड़े, ए क्या हुआ भाई, कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लिए होते। अब तक मेरी मदद के लिए सोहरा थी। कौन, तेरी प्रेमिका? सपना खत्म होते ही वो चली गई। ये सब क्या है, है? तेरा दिल तेरे प्यार के लिए अब भी तड़पता है, है? उन दिनों जब सोहरा नहीं थी मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता। एक दिन वो आई। तुम्हें यहाँ आए कितने दिन हो गए हैं बेटा? तुम्हें पता है माजिद यहीं घंटों बैठकर हर रोज तुम्हारा इंतजार किया करता था। अब मैं चलती हूँ। तुम सोहरा हो ना? कल भी तुम्हारे लिए वो यहीं इंतजार कर रहा था, तुम्हारा माजिद। जब हमने तुम्हारी शादी की थी तब पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। वो हर वक्त घर के हिस्से मांगता रहता है, मैं इसे तंग आ चुकी हूँ। तो हम एक काम करते हैं, ये घर ही बेच देते हैं बेटा। लेकिन क्यों? यहाँ मेरी बहन है, मेरी अम्मी है। आप दोनों कहाँ जाएंगे? सिर्फ मैं ही उसकी बीवी नहीं हूँ, उसकी दूसरी बीवी भी है और दो बच्चे भी हैं। हमारे पास जितना है हम उसमें रह लेंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। वहाँ मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ जमीला। रोज नारियल छीलकर मुझे पैसे कमाने पड़ते हैं और अगर कम कमाई हो तो वो मुझे मारता है, मुझे खरी खोटी सुनाता है। मैं तंग आ चुकी हूँ। अगर तुम्हारे अब्बा हमारे बीच होते तो पता है वो क्या कहते? औरतों को जलील होकर कभी भी गुलामी नहीं करनी चाहिए। ये सब मैंने किसी को नहीं बताया, अकेले ही सब कुछ सहती रही। कुछ दिन पहले ही उसने मेरे पेट पर लात मारी और अपनी दूसरी बीवी के पास चला गया। तुम मुझे सिलाई सिखा दोगी क्या? बहुत दिन पहले मैंने ये तेरे लिए खरीदा था, तुझे पसंद है ना ये? तेरी माजिद से मुलाकात हुई है? कल ही वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मुझे नौका वाली से पता चला कि तुम रोज इस जगह आकर मेरा घंटों इंतजार करते हो। लगता है तुम मुझसे नाराज हो। तुम्हें लगा मैं कभी वापस नहीं आऊंगा है ना? सबने यही सोचा, लेकिन मुझे मुझे यकीन था कि तुम जरूर वापस आओगे। फिर आगे बोलो। तुमने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? मैंने कई बार लिखी लेकिन भेजी नहीं। हर रोज मैं तुम्हारा इंतजार करती थी और रात को तुम्हारी यादों में रोती थी। तुम्हारी सेहत और तुम्हारी हिफाजत के लिए रोज अल्लाह से दुआ मांगती थी।
वो लोग किधर है? तुमने उन्हें बताया नहीं कि मैं आज डिस्चार्ज होने वाला हूँ? शायद वो अपने काम में व्यस्त होंगे। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, पता नहीं उन्हें क्या हुआ। संभल कर जाओ भाई, ख्याल रखना। धन्यवाद। आपको थोड़ा सा बुखार है, शाम तक ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अभी कैसी हैं आप? सबसे पहले हम साहब के घर चलेंगे। नहीं भाई, पहले हम अपने घर चलेंगे। लेकिन क्यों? वो लोग घर पे नहीं है ना। नहीं मतलब? सब लोग कहाँ गए? पता नहीं भाई। मुझे सच बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं भाई, मैं नहीं जानती कि वो लोग कहाँ चले गए। तांगा रुको, रुको। साहब चले गए, उन कमीनों ने उन्हें मार डाला। क्या कह रही हो तुम? हाँ भाई, यही सच है। आज से 4 दिन पहले उन्होंने सब जला दिया। सुबह घर के बाहर हमारे अमीन साहब की कटी हुई लाश पड़ी थी। ये क्या हो गया? शबनम? नहीं जानती भाई, कोई कुछ नहीं जानता। उसे बहुत ढूंढा, किसी को पता नहीं वो कहाँ है। धर्म के नाम पर हमारे बीच में ये दीवार कौन बना रहा है? ये ब्रिटिश सरकार कर रही है। हमारे मजहब के नाम पर वो लोग हमारे बीच दीवार बनाकर हमें लड़ा रहे हैं। मुझे चिंता हो रही है, अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारा देश कई टुकड़ों में बट जाएगा। हम सभी लोग एक माँ की गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। भारत माँ है, मैं खुदा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। हमें कोशिश करनी होगी ये समझने की कि पूरी दुनिया की शक्ति एक है। माजिद भाई, हमारे साहब। दही और पूरी भाजी दो। ठीक है, लाता हूं। हर जगह सांप्रदायिक दंगे फैल रहे हैं। धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। कई लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। हर जगह दंगे फसाद हो रहे हैं। पूरा मामला हाथ से निकला जा रहा है। मामले को काबू में करने के लिए सरकार अपनी तरफ से कोई भी कदम नहीं उठा रही है। अब सरकार पर से लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठ रहा है। देखिएगा, अगर एक और विश्व युद्ध शुरू हुआ ना, तो लोग अकाल की वजह से मर जाएंगे। विश्व युद्ध की वजह से भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। दो आने हो गए। मेरा पर्स किधर गया? हाय अल्लाह। ओ, आप बाहर के हैं? हाँ, हमने आपके जैसे बहुत देखे हैं। पहले पैसे दीजिए, फिर जाइए। देखो, वो पैसे दिए बिना भाग रहा है, रोको उसे। पैसे कौन देगा? मेरे यहाँ बहुत दोस्त है, मैं कल पैसे लाकर दे दूंगा। ये सब यहाँ नहीं चलता। पैसे दिए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम्हें हम बेवकूफ दिखते हैं क्या? ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर गिरवी रख कर जाओ, धोखा देते हो। मैं यहाँ ये सब नहीं चलेगा। ये अरे यहाँ शोर क्यों हो रहा है? मेरा पर्स खो गया सब। इन्होंने यहाँ क्या खाया है? पूरी और सब्जी। अरे इतनी छोटी सी बात है, जब अगली बार आइएगा तो पैसे दे दीजिएगा, ठीक है?
उन्हें वापस कर दो, चले जा बेवकूफ कहीं का। माफी चाहता हूं, मुझे इधर नौकरी मिल सकती है क्या? आप ये ना समझे कि मैं आपको परेशान कर रहा हूं, मैं मजबूर हूं। यहां पहले से ही बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अगर तुम बर्तन धो सकते हो तो मैं तुम्हें नौकरी दे सकता हूं। हाँ मैं तैयार हूं। अरे सुनो, इन्हें अंदर लेके जाओ। हाँ? ये यहाँ बर्तन धोने का काम करेंगे। ठीक है साहब, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ईमानदार आदमी हो। आराम से। वैसे तुम्हारा गांव कहाँ है? वो दक्षिण भारत में केरल राज्य में है। रसोई घर इस तरफ है। मेरी प्यारी सोहा, तुम चुप क्यों हो? मैं चुप कहाँ हूँ? क्या बात है, चिट्ठी क्यों नहीं लिखते? घर में सब ठीक है ना? यहाँ सब कुछ ठीक है। तुमसे मिलने के लिए मैं तरस रही हूँ। मैं तुम्हें हमेशा देखता हूँ और तुम्हें याद भी करता हूँ सारा। तुम तो वहाँ जाने के बाद हम सबको भूल ही गई थी, है ना? ऐसा नहीं है, तुम्हारी याद तो मुझे हमेशा आती थी। हम तो हमेशा तुम्हें याद करते थे। चला तो रहा हूँ मैं भी। अरे वैसा है तुझे, आजकल सोहरा रोज माजिद से मिलने लगी है। तुम भी ना कुछ भी कहती रहती हो। अरे सोहरा क्या बात है, बड़े दिनों बाद आई। क्या रे टकलू? जा 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 जा। सुना है कि माजिद से निकाह करने वाली है। जो भी हो वो अभी खुश है, वो वापस जाएगी तो उसका शौहर उसे पहचानेगा भी नहीं। सोहरा हमने सुना है कि अब तुम यहाँ से वापस नहीं जाने वाली हो। चलो यहाँ से। अच्छा है, फिर माजिद से निकाह करके यहीं बस जाओ। तुम्हारे लिए था, सही सलाह दिया ना तुमने। बकवास बंद करो, इसे तो लोगों से बोलने लगना चाहिए। सही बात कहो तो बुरा लग जाता है। मैं जा रही हूँ। लेकिन कहाँ? कहीं भी। तुम्हें क्या हो गया सोहरा? मुझसे ज्यादा तुम्हें बाकी सब चीजों की परवाह है, तो मेरा यहाँ क्या काम? और अगर कोई तुम्हें जाने नहीं देगा तो? कौन जाने नहीं देगा? मैं और कौन, यहीं रहो। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, 10-10 रुपए लगाओ और 20 लेके जाओ, जल्दी आओ, पैसे लगाओ, जल्दी आओ, 10 के 20, 10 के 20। माजिद से जब लोग पैसे मांगने गए उसने फूटी कौड़ी भी नहीं दिया। अरे एकदम कंगाल है वो। फिर वो यहाँ क्या झक मारने आया है? बकवास बंद करो, उसके अब्बा ने अपने समय में बहुत लोगों की मदद की है, जब कोई तकलीफ में हो तो उसे ताना नहीं मारा करते। अरे सुनो, अभी तक खत्म नहीं हुआ। अरे थोड़ा जल्दी करो, माल आज ही शहर पहुंच जाना चाहिए। मुझे यहाँ से मंडी भी जाना है। उम्मीद है इसे थोड़ी अक्कल होगी, वरना अपने बाप के पैसे बर्बाद नहीं करे। सही कहा। क्या कहा तुमने? सुना नहीं क्या? मैंने कहा कि तुम्हारे अब्बा ने पैसे बर्बाद किए और उसके लिए आवरण को दोषी ठहराया जा रहा है। लगता है बवाल होने वाला है। अरे यहाँ से जल्दी चलो। तो मेरे बारे में बात करो, मेरे अब्बा को बदनाम मत करो। हाँ
अब्बा आ रहे हैं। सुहरा वापस नहीं जाएगी। क्यों? वो यहीं रहना चाहती है। माजिद उससे निकाह करना चाहता है। वो पागल हो गया है क्या? उसके पास कोई नौकरी भी नहीं है। तीन को खिलाना पहले से मुश्किल हो रहा है, उसे और कैसे खिलाऊं? देखो, इतनी बड़ी दुनिया में उसे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। उससे कहो कि वो जाकर काम ढूंढे। इसके बाद उसे निकाह करना है, जो भी करना करे, मुझसे नहीं होगा। सबको खिलाने के लिए मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ। उसे ये बात समझाओ। माँ बाप की देखभाल करने की उम्र में वो आवारा घूम रहा है। तुम उनकी बात का बुरा मत मानना बेटा। वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। तुम्हारी दो बहनें हैं जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है। मैं भी चाहती हूँ तुम जोरा से शादी कर लो, उसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन उसके लिए पैसे भी नहीं है ना, और फिर इतने पैसे आएंगे भी कहाँ से बेटा? अम्मी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? एक बात कहूँ बेटा, उत्तर भारत में तुम्हारे अब्बा के रिश्तेदार काफी अच्छा कमा रहे हैं। ये बात मुझे एक वकील ने बताई, तुम जाकर उनसे मिलो। मुझे पक्का यकीन है वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तुम जाओगे ना बेटा? ठीक है, मैं जाता हूँ। अम्मी ने कहा तुम नौका में चले गए। मैं जा रहा हूँ सोरा। लेकिन कहाँ? किसी अनजान जगह पर। हमने जो सपना देखा था उसे जीने के लिए पैसे चाहिए, और फिर मुझे अपनी बहनों की शादी भी करनी है, और मेरे बूढ़े माँ बाप को भी संभालना है। तो मैं पैसे कमा कर वापस लौट आऊँगा। हमें भी तो जिंदगी जीनी है सोरा। अगर मैं चला गया तो घर वालों को कौन संभालेगा? मैं हूं संभालने के लिए। तो मैं चलता हूं। चिट्ठी लिखोगे ना? हाँ। ये लो। क्या है? ये 5 रुपए हैं। ये मैंने कादर भाई से कर्ज लिए हैं, उसे रास्ते में पैसे की जरूरत पड़ेगी। और हाँ, उससे एक बात और कहना कि वापस आते वक्त याद से मेरे लिए एक चश्मा लेकर आए। ये बहुत पुराना हो गया। रास्ते में खर्च के लिए तुम्हारे अब्बा ने ये दिया है, वापस आते वक्त उनके लिए चश्मे ले आना, ऐसा भी कहा है।
अब्बा का कर्ज चुका दूंगा, अपनी बहनों की शादी कर दूंगा और फिर सौरा के साथ जिंदगी बिताऊंगा। मेरे दर्द से लड़ने के लिए मैंने यही सपने देखे हैं। दंगा फसाद का दिन था, शबनम मुझसे मिलने आई। कुछ दिनों के लिए हमने सोचा एक दूसरे से दूर रहेंगे तो ही इसमें सबकी भलाई है। सही सोचा था तुमने, मुझे डर लगा कि दंगा फसाद के दिन कुछ गड़बड़ी होगी। मैंने भी तुम्हें बहुत ढूंढा। ठीक है, मैं चलता हूँ। हम चलते हैं। वापस जरूर आना। सौरा को चिट्ठी लिखोगे तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं देना। नमस्कार। नमस्कार। अगर ऐसा ही होता रहा तो पता नहीं इस देश का क्या होने वाला है। जनता को गिरफ्तार और मारकर वो लोग कितने दिनों तक लोगों को काबू में रख सकते हैं। उन सब के बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं, लोग पागल हो चुके हैं। लगता नहीं है कि भविष्य में हम फिर कभी होटल खोल पाएंगे, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। हाँ माजिद, तुम्हारे लिए चिट्ठी है, पोस्टमैन ने लाके दिया, शायद तुम्हारे गांव से आई हो। हाँ। हाँ। लो तुम्हारे गांव की चिट्ठी। माजिद भैया, भाई भाई भैया भैया भाई भाई, क्या हुआ? मेरे प्रफुल्ल को। प्रफुल्ल को क्या हुआ? कुछ पांच लोग आए, चाकू तलवार लेकर और प्रफुल्ल को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। लेकिन कहाँ? पता नहीं भाई, चलिए आप। तो रो मत, हम चलकर देखते हैं। भाई संभल कर चलिएगा। क्या हुआ होगा उसे? भाई उधर देखो, वो लोग काबू को मारने की कोशिश कर रहे हैं। भाई उसे बचाओ। शबनम तुम यहीं पर रुको, तुम बताओ। क्या कर रहे हैं तुम? कुछ ठीक हो ना भाई? सेल्वी तांगा रुको। हाँ? तांगा रुको। हाँ? तुम दोनों इधर से चले जाओ, कहीं दूर चले जाओ जहां जात पात और धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को मारते नहीं हो। माजिद भाई, आप भी हमारे साथ आ सकते हैं। मेरी जिंदगी एक अनजाना सफर है और वो कभी खत्म नहीं होगा। आप घर वापस चले जाइए। सौरा आपका इंतजार कर रही है। जैसे कि अमीन साहब कहा करते थे,
सिर्फ अल्लाह के खजाने में ही वक्त की कमी नहीं होती। मेरी जिंदगी के सफर में पता है क्या हुआ, सोहराब नहीं रही। भैया वैसे तो अम्मी जो कहती थी वो सोहरा लिखती थी, लेकिन इस बार सुरा कहती थी कि मैं हमारी परेशानियां तुझे बताकर परेशान ना करूं, इसलिए मैं तुम्हें चिट्ठी नहीं लिख रही थी। पिछले 2 महीनों से सुरा बीमार थी, उसका इलाज करने वाला यहां पर कोई भी नहीं था बेटा। बेटा परसों अपनी सुरा का इंतकाल हो गया। के घर में वो मेरी गोद में ही लेटी थी और मरने से पहले वो तेरा नाम पुकार रही थी, बार बार पूछ रही थी कि तू आएगा या नहीं। ये अल्लाह की मर्जी थी बेटा, और हमने अपने एक लौता सहारा और दोस्त खो दिया है, और अब अल्लाह के सिवाय मेरे लिए सिर्फ तुम ही हो। मैं कुछ कहूं तुमसे? बोलो सारा। वो मैं